आखिर क्यों एट्रेस अभी भी क्रेटोस की बात नहीं सुनता है? गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के ट्रेलर में हमने देखा कि योतनेम से आने के 3 साल बाद भी अभी तक क्रेटोस एंड एट्रेस का रिश्ता बेटर नहीं हुआ है। दोनों के बीच अभी भी मतभेद है। एट्रेस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन क्रेटोस एट्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो परेशान है कि एट्रेस के ऐसा करने से वो एक युद्ध को शुरू कर देगा। एट्रेस क्रेटोस से बोलता है कि एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक जनरल की तरह सोचो, इस पर क्रेटोस साफ इनकार कर देता है। वहीं किसी न किसी तरह रैग्नारोक आ रहा है और इसका मतलब है कि युद्ध भी आ रहा है, और गेम के स्टार्टिंग में तो क्रेटोस एंड एट्रेस दोनों रैग्नारोक को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। क्रेटोस पहले ही अपनी एक बेटी और 2 पत्नियों को खो चुका है, लेकिन अब वो एट्रेस को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में क्रेटोस के काफी ज्यादा रोकने के बाद भी एट्रेस के कुछ फैसले एस्गार्ड से युद्ध की तरफ ले ही जाएंगे, क्योंकि एट्रेस ये जानना चाहता है कि वो कौन है। और जब से हमें बताया गया है कि एट्रेस ही लोकी है, तो तब से तो एट्रेस पर अब भरोसा करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब आप बड़े होते हो तो आप भी यही करते हो कि अब आपको आगे क्या करना है, खुद को किस डायरेक्शन में ले जाना है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब आपको पता चले कि आप आधे इंसान आधे जायंट और आधे गॉड हो, तो फिर मायने काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। और ऐसा ही एट्रेस के साथ भी हुआ है। इसलिए एट्रेस ये जानने के लिए अपनी जिद पर है कि आखिर वो कौन है और इस दुनिया में उसकी जगह क्या है। हालांकि वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी वो 14 साल का एक बच्चा ही है, इसलिए वो इसके पीछे के परिणामों को नहीं समझ पा रहा है, ना ही उनके बारे में सोच रहा है। वो बस अपनी सच्चाई को जानना चाहता है, जिसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। वो शायद बाद में आगे जाकर अपने ही किए गए कार्यों पर पछताएगा भी। क्रेटोस ने एट्रेस को बताया था कि उसने अपने पिता ज्यूस को मारा है, और ये बात क्रेटोस को अभी तक परेशान करती है। क्रेटोस ने अपने पास्ट में बहुत ही भयानक भयानक काम किए हैं, जिसके नाइटमेयर्स उसे आज तक परेशान करते हैं। इसलिए क्रेटोस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आगे जाकर उसके बेटे एट्रेस के साथ भी वैसा ही हो। क्रेटोस ने एट्रेस को अपनी सच्चाई इसलिए बताई थी ताकि एट्रेस आगे जाकर बेहतर बने, लेकिन हमने देखा कि एट्रेस अपनी सच्चाई जानकर घमंडी हो गया था। अतीत में क्रेटोस ने न केवल अपने पिता और बाकी गॉड्स को मारा, बल्कि साथ में अपनी बेटी पत्नी और कई बेगुनाहों की जान ली है। तब जाकर क्रेटोस को ये समझ में आया कि कैसे गुस्सा और अनचाहा युद्ध विनाश का कारण बनता है। उसके बाद क्रेटोस ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर आज वो इतना शांत है। लेकिन हमने गॉड ऑफ वॉर 2018 में देखा कि एट्रेस को क्रेटोस की स्पार्टन रेज के साथ साथ उसका गुस्सा भी उसे विरासत में मिला है। एट्रेस को जैसे ही पता चलता है कि वह गॉड है, तो वो बहुत ही जल्दी किसी पर भी भड़क जाता है। हमने पहले भी देखा है कि वो बेवजह ही नेदो सिंद्रिको पर भड़क गया था, एंड गुस्से में उसने क्रेटोस पर भी अटैक किया है। एट्रेस को क्रेटोस का गुस्सा और उसकी स्पार्टन रेज तो मिली, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया गया है कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। क्रेटोस को अपने शांत रूप तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा है, और एट्रेस की जर्नी तो बस अभी अभी शुरू ही है। तो शायद आगे जाकर क्रेटोस एट्रेस को अपनी पूरी सच्चाई बता दे, जिससे एट्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि एक युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और शायद इससे क्रेटोस को भी मदद मिल जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना, ताकि आप इसी तरह की गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।